हल्द्वानी बार एसोसिएशन गोला पार में हाईकोर्ट स्थानांतरित किए जाने के पूर्ण पक्ष में उत्तर आई है। आपको बता दें कि अधिवक्ताओं का कहना है कि उच्च न्यायालय उत्तराखंड की नैनीताल शहर से शिफ्टिंग के निर्णय का समर्थन करती है। गुरुवार को आयोजित बार एसोसिएशन की एक बैठक में अधिवक्ताओं ने कहा कि नैनीताल शहर में पार्किंग और परिवहन की समुचित व्यवस्था नहीं होने के चलते सभी को परेशानियों का सामना करना पड़ता था और साथ ही गर्मी के कुछ महीने को छोड़कर साल भर नैनीताल का मौसम भी उपयुक्त नहीं रहता है। बरसात और बर्फबारी से नैनीताल में रास्ते बंद हो जाते हैं और बाहर से आने वाले बाध्यकारियों और अधिवक्ताओं को बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अधिवक्ताओं ने कहा कि सरकार का सही वक्त पर इसे स्थानांतरित करने का फैसला स्वागत योग्य है। कहा कि हाईकोर्ट को नैनीताल शहर से जिले के दूसरी जगह शिफ्ट किए जाने के निर्णय पर उच्च न्यायालय की भी सहमति है। अधिवक्ताओं ने कहा कि हल्द्वानी उत्तराखंड का एक विकसित और प्रमुख शहर है और हर लिहाज से हाईकोर्ट के लिए मुफीद है, इसलिए हाईकोर्ट को तहसील हल्द्वानी में स्थानांतरित किए जाने का हल्द्वानी बार एसोसिएशन पूर्ण समर्थन करती है। हाईकोर्ट जो है वो हल्द्वानी शिफ्ट कर रही की जा रही है, ऐसा हाईकोर्ट की फुल बेंच ने इस प्रस्ताव को पास किया है और जिसका हल्द्वानी बार एसोसिएशन समर्थन करती है और इसलिए भी आवश्यकता है। वादकारी का हित सर्वोच्च है, एक सिद्धांत है और वादकारियों के हित में चाहे वो यातायात की सुविधा हो, स्वास्थ्य की सुविधा हो, चाहे सस्ता और सुलभ न्याय की परिभाषा को परिभाषित करने वाली बात हो, तो हल्द्वानी समय जो था कि नया राज्य बना था, नए राज्य में केवल शुरू में मांग ये थी कि जब देहरादून को राजधानी तय कर दिया गया था तो कुमाऊं में कहीं हाईकोर्ट बनाई जाए, लेकिन जब संसद में माननीय न्याय मंत्री जो भी उस समय अरुण जेटली जी थे उनके द्वारा नैनीताल शहर को पारित किया गया कि नैनीताल में बनेगी और उनका ही एक आदेश था, किसी से पूछा नहीं गया, नैनीताल में हाईकोर्ट स्थापित की गई। समाचार पत्रों के माध्यम से ये जानकारी हमें प्राप्त हुई है कि नैनीताल हाईकोर्ट की शिफ्टिंग का एक शासन द्वारा प्रस्ताव पारित किया गया है और एक सर्च कमेटी का उसमें गठन किया गया है और उस सर्च कमेटी ने अपनी जो रिपोर्ट दी है उसमें हल्द्वानी के गोलापार स्थान को हाईकोर्ट के लिए उपयुक्त पाया है, तो उसका हल्द्वानी बार एसोसिएशन पूर्ण समर्थन कर रही है।